नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल उदय जदीप में स्वागत है। हम साझा यानी कि पार्टनरशिप टॉपिक से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। इस टॉपिक का हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने दो वीडियो में इस टॉपिक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लें, और आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरम्भ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में 23,52,000 रुपये के लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन कह रहा है हमें ए बी और सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने मिलकर लगाई। यानी कि बी ने ए और सी के बराबर पूंजी लगाई, तो वर्ष के अंत में 23,52,000 रुपये के लाभ में से हमें प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए का भाग देखते हैं। सबसे पहले ए ने कितनी पूंजी लगाई, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एक्स कुल पूंजी है। कुल पूंजी कितनी है एक्स, देखिए हम मान लेते हैं कुल पूंजी x है जो इन तीनों ने लगाई। तो इसमें इसका कह रहा कुल पूंजी का 1/3 भाग a ने लगाया, यानी कि इसका 1/3 कितना होगा x 3। ये किसने लगाया, a ने लगाया। तो बाकी बचा कितना, देखिए x से x 3 को माइनस कर देंगे, तो देखिए माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा। देखिए x से x 3 को माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया तो 2x/3। देखिए शेष ए की पूंजी हो गई कुल पूंजी का 1/3, यानी कि 1/3, और शेष कितनी बची अब 2x/3। एक्स से हमने 1/3 माइनस कर दी, तो ये पूंजी किसकी बची, ये पूंजी बची ए ने इतनी लगाई, ये बची होगी बी और सी की बची है। अब आगे क्वेश्चन का कह रहा है बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए तथा सी ने मिलकर लगाई। देखिए बी ने कितनी पूंजी लगाई है, ए और सी ने जितनी पूंजी लगाई है इनके योग के बराबर बी ने लगाई है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में इतने के लाभ में प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से हम ए का भाग तो हमें पता है कितना है एक्स बटे तीन, यहाँ से हम बी और सी का भाग और निकाल लेते हैं। देखिए बी का कैसे निकालेंगे, बी प्लस सी का भाग है 2x/3, और यहाँ किसका है बी का है, कितना है ए प्लस सी। तो देखिए यहाँ से हम बी का निकालेंगे, देखिए तो ए का मान रख देते हैं इसमें एक्स बटे तीन, और सी का मान, देखिए यहाँ से सी का मान निकाल लीजिए, बी उस साइड चलाएगा माइनस, यानी कि 2x/3 माइनस बी, यहाँ से सी का मान आ जाएगा। देखिए हमने इसमें क्या रख दिया, ए का मान रख दिया और सी का मान रख दिया। तो देखिए बी माइनस का इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 2b, और देखिए इन दोनों का ऐड हो जाएंगे, एलसीएम सेम है तो एलसीएम देखिए नीचे कितना आ जाएगा 3, और ऊपर 2x और 1x 3x, तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा x, देखिए x आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, इधर कितना है 2b इक्वल x, तो यानी कि b इक्वल कितना हो जाएगा x/2 नीचे चला जाएगा। देखिए b की पूंजी आ गई x/2, a की पूंजी थी x/3। अब देखिए सी की पूंजी और निकालना है, तो सी की पूंजी के लिए क्या करिए, देखिए यहाँ बी की पूंजी, बी का मान यहाँ रख दीजिए, देखिए बी का मान यहाँ रखेंगे तो 2x/3, और बी का 1/2 रखेंगे इस साइड आके माइनस हो जाएगा 1/2, ये किसका आ जाएगा सी का भाग आ जाएगा, यानी सी की पूंजी आ जाएगी। देखिए एलसीएम 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x और 3x, यानी कि x/6, सी का भाग कितना आ जाएगा, देखिए सी का भाग आ जाएगा x/6, यानी ए ने पूंजी लगाई x/3 और बी ने लगाई x/2 और सी ने लगाई x/3। देखिए इन पूंजियों का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए वर्ष के अंत तक लगाई यानी कि 12 महीने तक तीनों की पूंजी लगी रही। देखिए जब भी एक समान मंथ या वर्ष के लिए पूंजी लगी रहे तो ज़रूरी नहीं इसका मल्टीप्लाई करें। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सिंपल अनुपात में लिखते हैं, ए का 1/3 अनुपात बी का 1/2 और सी का 1/6। देखिए सिंपल अनुपात में कैसे लिखाएगा, नीचे का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, नीचे एलसीएम 6
तीन से कैल्शियम कितनी बार कैंसिल हो, तीन दूनी छः, दो से दो तीन छः, छः से एक बार में छः कम छः, यानी कि ए बी और सी की पूंजियों का अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तीनों कॉमन है तो 2:3:1 तीन पूंजियों का अनुपात आ जाएगा। देखिए इनकी एक वर्ष के अंत तक यानी कि सभी समान समय तक लगे रहे तो ज़रूरी नहीं है मंथ का मल्टीप्लाई करें, तो डायरेक्ट यहाँ देखिए 2:3:1 क्या है इनकी पूंजियों का अनुपात आ गया जो साल भर लगी रही यानी कि वर्ष के अंत तक। तो देखिए हमें क्या करना है, पूंजियों का अनुपात यानी कि देखिए अब 23,52,000 रुपये के लाभ में हमें इन प्रत्येक का हिस्सा देखना है। तो देखिए जी हिस्सा कितना आया, जी लाभ का हिस्सा आया, देखिए पूंजी इनकी इतनी थी, देखिए पूंजी जितनी थी और वो लाभ सेम ही रहेगा, क्यों देखिए यदि हम देखिए इसकी दो पूंजी है या 2x वर्ष के अंत तक यानी 12 मंथ तक लगी रही, इसकी 3x ये भी 12 मंथ तक और अनुपात एक पूंजी यानी कि x ये भी 12 मंथ तक, देखिए 12 से 12 तीनों कॉमन कैंसिल हो जाएंगे तो सेम ही आएगा 2:3:1 यानी कि ये लाभ का अनुपात आ जाएगा। तो हमें प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है, तो ए का भाग 2, बी का 3 और सी का 1। तो देखिए यहाँ से हम प्रत्येक का भाग ज्ञात करते हैं, देखिए ए का भाग तो ए का अनुपात 2, नीचे टोटल 2, 3 और 1, 5 और 1, 6 छः यहाँ लेके और लाभ होगा वो यहाँ लिखेंगे जो टोटल लाभ दिया है 23,52,000। देखिए 6 से कैंसिल कीजिए इसको, 6 3 18 तो कितने बचे 5 55, 6 9 54, 1 6 2 12 3 0। देखिए 2 से अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऊपर मल्टीप्लाई की 2 2 4 2 9 18 हाथा 1 2 3 6 और 1 7 और कितनी 0 हैं 3 0 यानी कि एक हिस्सा कितना आ जाएगा 7,84,000 का हिस्सा आएगा, ए का हिस्सा आएगा। इसी प्रकार बी का हिस्सा, बी का अनुपात 3 बटे नीचे टोटल 6 इंटू यहाँ लाभ कितना दिया है इसमें 23,52,000 तो 6 से इसको कैंसिल करें तो कितनी बार कैंसिल होगा, इतनी बार कैंसिल होगा 352 और 3 0 तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, देखिए 3 2 6 और 9 2 18 9 3 27 7 2 3 3 9 2 11 और 3 0 है 3 0 यानी 11,76,000 किसका भाग आएगा बी का। इसी प्रकार सी का भाग, देखिए सी का भाग तो सी का भाग देखिए 1 नीचे टोटल 6 से फिर कैंसिल सेम ही बार होगा 3 0 यानी कि 3,52,000 एक मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा 3,52,000 रुपये जी किसका हिस्सा आ गया सी का। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, प्रत्येक का भाग एग्जाम में किसी एक का भाग पूछता है यहाँ पे, देखिए तीनों का भाग पूछा है हमने क्वेश्चन में भी तीनों का भाग देख लिया ताकि क्वेश्चन में बी ए या सी किसी का भी भाग पूछें तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ए का भाग हो गया 7,84,000, बी का हो गया 11,76,000 और सी का हो गया 3,94,000, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5:7:8 है, इनका धन क्रमशः 14 महीने 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा, इनकी पूंजियों का अनुपात क्या है। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या पूछ लिया पूंजियों का अनुपात पूछ लिया और इसमें पहले ही लाभ का अनुपात दे दिया, इससे पहले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उनमें क्या पूंजी दी होती थी इतने समय के लिए निवेश है तो हम क्या निकालते थे लाभ का अनुपात और फिर उनको कितना हिस्सा मिलेगा उस लाभ से तो वो हम निकाल लेते थे। यहाँ पे देखिए लाभ का अनुपात पहले ही दे दिया, हमें पूंजियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए पूंजियों का अनुपात हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम मान के चलते हैं तीनों साझेदारों की क्रमशः एक्स पूंजी निवेशित है इसकी पहले की और दूसरे की बाय पूंजी और तीसरे की जेड पूंजी निवेशित है। तो देखिए कितने कितने मंथ के लिए, इसकी एक्स पूंजी मान के चलते हैं 14 दिया है क्वेश्चन में, 14 महीने के लिए एक्स पूंजी निवेशित है और इसकी बाय सेकंड वाले की बाय पूंजी है 8 महीने के लिए निवेशित और तीसरे की जेड पूंजी है 7 महीने के लिए निवेशित। तो देखिए क्या आता है इससे,
लाभ का अनुपात, तो लाभ का अनुपात क्वेश्चन में दिया कितना, 5:7:8। माना पहले साझेदार की एक्स पूंजी 14 महीने के निवेशित है, तो दूसरे की बाय पूंजी 8 महीने के लिए और तीसरे की जेड पूंजी 7 महीने के लिए, जिससे क्या लाभ का अनुपात आता है तीनों का। तो लाभ का अनुपात क्वेश्चन में दिया हमें 5:7:8। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको और इसको लेते हैं और इन दोनों की कंपेयरिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे इन दोनों को लेंगे तो यहाँ इन दोनों के यानी कि 14x/8y। देखिए अनुपात का मतलब बटे होता है, तो हम पहले दो को ले लेते हैं 5/7। तो देखिए यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं x के फॉर्म में, क्या आएगी 14×7=98, x 5 के नीचे कर दीजिए 48 और y यहाँ आ जाएगी। देखिए इसको कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2×8 1 बचा, 2×2=18 यानी 49 और नीचे 20 यानी कितना आ गया। देखिए y की वैल्यू आ जाएगी 49/20, किसकी वैल्यू आ गई y की, यहाँ x है यानी कि x के फॉर्म में हमने यहाँ y की वैल्यू निकाल ली। इसी प्रकार देखिए पहले को और तीसरे को लेते हैं, तो यहाँ पहले को और इसको लेना पड़ेगी। तो देखिए 14x/7z, तो किसको ले रहे हैं पहले और आखिरी को, 5×8 5/8। तो देखिए यहाँ से 14×112x/5 को नीचे ले जाइए जेट के ऊपर, 5×7=35 जेट यहाँ आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो रहा है, 7 से हो रहा है, 7×5=35, 7×7=42, 7×6=42 यानी कि यहाँ से जेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16x/5, किसकी आ गई जेट की वैल्यू एक्स के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ से बाई की एक्स के फॉर्म में वैल्यू और जेट की एक्स के फॉर्म में वैल्यू, तो इनकी तीनों की पूंजियों का अनुपात कितना था, एक्स अनुपात बाय अनुपात जेड अनुपात में इनकी पूंजियाँ लग ही रही थी। देखिए हम एक्स की वैल्यू एक्स ही रहने देते हैं, बाई की वैल्यू 49x/20 अनुपात जेड की वैल्यू 16x/5, नीचे एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 20। देखिए 1 है तो 1 से एलसीएम कितनी बार, 20 बार, तो 20x 20 से 20 एक बार, 49x 5×5=20, 4×16 तो 16×64x। देखिए एलसीएम को यहाँ से हम हटा देते हैं तो कितना आया ऊपर, देखिए x भी तीनों में कॉमन है तो x को भी हटा देंगे हम, 20:49:64। देखिए तीनों अनुपात में यदि कोई कैंसिल होते हैं तो हम कॉमन संख्या से तीनों को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा। तो देखिए क्या आ गया हमें, इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा, 20:49:64 इनकी पूंजियों का अनुपात होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी तथा सी ने एक कार्य को 16,500 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया, ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया तथा शेष कार्य सी ने किया, इस धन में सी का भाग कितना होगा। यानी कि ए बी सी ने एक कार्य को 16,500 रुपये में समाप्त करने का ठेका लिया और ए और बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर दिया, तो शेष भाग जो बचा होगा वो सी ने किया होगा, तो शेष कार्य सी ने किया, तो इस धन में हमें क्या सी का भाग निकालना है। तो पहले ए बी और सी का अनुपात निकाल लें, तो फिर हम सी का भाग इजीली निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए और बी ने मिलकर कुल कार्य कितना किया, कुल कार्य का 7/11 भाग, यानी कुल कार्य मान लेते हैं एक है भाग, तो ए और बी ने मिलकर कितना किया 7/11 भाग, तो शेष भाग किसने किया होगा सी ने, तो शेष कितना बचेगा। देखिए एक से हम 7/11 को माइनस करेंगे, 11 में 7 गए कितने, 4/11 यानी कि 4/11 भाग शेष कार्य होगा वो सी ने करा होगा, शेष कार्य सी ने किया। तो देखिए यहाँ से हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं, किसका, ए प्लस बी के कार्य का अनुपात और सी का अनुपात, तो कितना आ जाएगा, देखिए इन दोनों कार्य का 7/11 अनुपात सी का 4/11। देखिए नीचे एलसीएम सेम है तो ऊपर कितना आ जाएगा, 7:4
यानी कि ए प्लस बी का अनुपात आ जाएगा 7 और सी का आ जाएगा 4। तो यहाँ क्या निकालना हमें, सी का भाग निकालना है। तो देखिए सी का भाग कैसे निकालेंगे, सी के भाग के लिए सी का अनुपात कितना, 4 बटे टोटल। तो ए और बी का जे और सी का जे हो जाएगा, तो ए बी और सी का टोटल कितना हो जाएगा नीचे 11 टोटल। और कितना लाभ, देखिए ठेका कितने में लिया था, 16,500 में, तो 16,500 हम यहाँ लिखेंगे। 11 से कैंसिल कीजिए, 11 कम 11, 5 बचे 55, 11 5 है 55, 1500 × 4, तो 15 चौके 60, तो कितना आ जाएगा देखिए 6000। यानी कि इस धन में सी का भाग कितना होगा, 6000 हो जाएगा। तो 6000 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन ग्वाले ए बी तथा सी मिलकर एक चारा गाह 26,600 रुपये किराए पर लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है और बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है। सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके लिए बी को कितना किराया देना होगा, यानी क्वेश्चन हमें पूछ रहा है ए बी और सी मिलकर एक चारा गाह कितने में किराए पर लेते हैं, 26,600 रुपये में किराए पर लेते हैं। तो ए अपनी 18 गाय चरा रहा है 4 महीने और बी अपनी 16 गाय 6 महीने चरा रहा है और सी अपनी 14 गाय 7 महीने चरा रहा है। तो क्वेश्चन हमें निकालना है बी को कितना किराया देना होगी। देखिए जो जितनी गाय जितने समय के लिए चराएगा उसे उतना किराया देना पड़ेगी। तो देखिए इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए ए 18 गाय, ए 18 कितने महीने के लिए चरा रहा है, 4 महीने के लिए। अनुपात बी 16 गाय 6 महीने के लिए चरा रहा और सी 14 गाय 7 महीने के लिए चरा रहा। तो ये क्या आ जाएगा, इनके किराए का अनुपात आ जाएगा जो इनको किराया देना होगी। देखिए हम इसको कॉमन कोई संख्या से कैंसिल होते हैं तो हम कैंसिल कर देते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 9 में 18, 2 8 16, 2 7 14, 9 6 36, अनुपात 8 6 48, अनुपात 7 3 49। अब कैंसिल नहीं हो रहा, तो देखिए इनके किराए का अनुपात कितना आ गया, 36:48:49। तो हमें किसका निकालना है, बी का, बी का कितना होगा 48, तो बी को कितना किराया देना होगी। देखिए बी को कितना देने होगी, 48 यहाँ लिखेंगे, नीचे तीनों को टोटल 36, 48 और 49। देखिए 48 कितने हो जाएंगे, 96, 97 और 36 कितना हो गया, 6 12 और 1 13, 7 1 10, यानी कि 133। नीचे टोटल लिखते हैं, इंटू कितना टोटल किराया है, 26,600। देखिए इसको कैंसिल करते हैं, देखिए 2 बार में ही हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, यानी कि इसका इसमें 2 बार भाग जाएगा, 2 0 है ही, 48 दूनी कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96। तो बी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 9,600 रुपये बी को किराया देना होगी। यदि ए का किराया पूछता तो ए का भाग ऊपर लिख देते 36, तो 36 कैसे मल्टीप्लाई हो जाता, कितना होता, 36 दूनी 72, यानी 7,200 देना पड़ती। 49 यदि सी का भाग पूछता, सी को कितना किराया देना है, तो सी का भाग यहाँ लिख देते बटे टोटल इंटू यहाँ पे जो किराया है टोटल वो लिख देते। यहाँ पर हमें क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, बी को कितना किराया देना होगी, तो बी का हमने निकाल लिया कितना किराया देना होगी बी को, 9,600 हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमारा साझा यानी कि पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में सभी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।